हमारे देश के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, दोनों ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। पति जब आर्मी में होते हैं तो ऐसा नहीं कि पति ही सेवा कर रहे होते हैं, उनकी पत्नी को भी घर पर रहकर जिस तरह से परिवार को बच्चों को संभालना होता है वो किसी साधना से कम नहीं है। लेकिन कुछ विधाता का विधान ऐसा है, जब कोई आता है उसे जाना भी पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वे गए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए था, क्योंकि अकस्मात ही भारत ने एक ऐसे योद्धा को खो दिया, भारत ने एक ऐसे समर्पित देश के नायक को खो दिया जिसकी इस समय में बड़ी आवश्यकता थी। उनकी योजना, उनकी दूरदृष्टि, उनका युद्ध कौशल, युद्ध व्यवस्था कौशल ऐसा था कि जिसकी वजह से उन्हें अति परम विशिष्ट, केवल कवियों को तो विशिष्ट मिलते हैं, उनको तो परम अति विशिष्ट और ना जाने कितने कितने मॉडल, कितने कितने पुरस्कार उनको मिले। सच तो ये बात है कि मेडल तो मिले उनको, लेकिन वो देश के लिए एक मॉडल थे, जो मेडल के लिए नहीं लड़े लेकिन अपने जीवन को मॉडल बना दिया। अकस्मात निरीक्षण के लिए गए थे और वहीं पर ही हेलीकॉप्टर में उन दोनों का और कुछ अन्य हमारे देश के समर्पित व्यक्तित्वों का हमेशा हमेशा के लिए हमने उन्हें खो दिया। भारत ने एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया। आज हम सब यहाँ पर हैं, उनका परिवार यहाँ पर है, कल के दिन उनको खोया, आज उसकी पूर्व संध्या है। भगवान से प्रार्थना है उनको वहाँ ना रख के अपने पास ही भेजें, भारत में उनकी भारत में आवश्यकता है, भारत में वापस भेजें ताकि एक परिवार नहीं भारत के हर परिवार को सुरक्षा और सुरक्षा के लिए ऐसा समर्पण। वो सचमुच अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में। इसलिए आज मैं उनको, उनके परिवार के साथ और हम सब मिलकर पूरा राष्ट्र इस संध्या पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है और जो समाज के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। इसलिए आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। किसी के चार दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी का 100 वर्ष का जीवन यूं बेकार जाता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के हित जो मरता है। जोरदार भावपूर्वक अभिनंदन के साथ हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके परिवार जो आज हमारे बीच में हैं, दो उनकी दिव्य पुत्रियां, उनको भी भगवान दिव्यायु दे, दीर्घायु दे, ताकि इसी तरह से वे भी समाज की सेवा करते रहें।